अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेज पॉकेट्स। ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत इजी से बन जाते हैं। तो इसके लिए हमने लेना है चिकन, उसके साथ साथ एक पाव मैंने चिकन लिया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चॉप की हुई कैबेज ली है, ग्रीन अनियन ली है मतलब हरी प्याज ली है, और यहाँ पे कैप्सिकम, शिमला मिर्च ले रही हूँ, मैक्रोनी मसाला या आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। साथ साथ मैंने गाजर ली है और यहाँ मैंने पेस्ट लिया है लहसुन अदरक का, और ये मेरे समोसे के रोटी है। अब मैंने यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है चिकन को, ऑयल में फ्राई हो रही है, और साथ साथ मैंने जो पेस्ट लहसुन अदरक का लिया था वो पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। सिर्फ हमें इसको चाट मसाला और नमक में ही पकाना है इसको, और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए। पानी डालेंगे और अब इसको लो फ्लेम पे करके रख देंगे। अब मैंने इसमें सारी वेजिटेबल मिक्स कर दी थी गाइस, मैंने वो वीडियो कट कर दी है, बट सारी वेजिटेबल मिक्स मैंने कर दी हैं उसी के अंदर। जब आपकी चिकन हो जाएगी तो आप वेजिटेबल्स में मिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद जो है इसको हम पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे और इसको भी हम ढक के रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पक चुकी होगी और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही होगी। इसमें मैंने थोड़े से कॉर्न्स भी डाल दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की मतलब हो गई है और अच्छे से ये पक चुकी है। अब हमने इसको जो है डिश आउट करना है और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। पहले अच्छे से हम इसको पकाएंगे, इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है ठंडा करने के लिए गाइस, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितना यम्मी सा ये लग रहा है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं पॉकेट्स। सबसे पहले हमने वेजिटेबल का मिक्स वेजिटेबल उठानी है और बीच में अपने सेंटर में रखना है। ये रोल के ब्रेड आपको मिल जाते हैं किसी भी बेकरी शॉप से, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं इसे। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे जैसे मम्मा आपको करके दिखा रही हैं। अब हम यहाँ पर आटे का पानी लगाएंगे, आटे का पानी लगाएंगे मतलब कि आटे के अंदर पानी डाल के हमने उसको थोड़ा पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा बना लिया है, जिससे ये चिपक जाते हैं और फ्राई करने के टाइम जो है ये जितना हमने मिक्स वेजिटेबल रखा है ये वापस फ्राई पैन में नहीं निकलता है, तो इसलिए हम ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट लगाएँगे। आप जितना अच्छी तरह से पेस्ट लगाएंगे उतना अच्छा ये पॉकेट्स बनती हैं। और अब हम इसको बंद कर देंगे और इसी तरह और भी सारी बना लेंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये हमारा बनके रेडी है और ये बहुत ही क्रिस्पी होता है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी होता है। अब आपको मम्मा अंदर से काट के दिखाती हैं। गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी होता है। थोड़े गर्म हैं तो इसलिए काटे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही यम्मी होता है। सो गाइस मेरी वीडियो का एंड होता है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और भी मज़ीद वीडियो के लिए बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा,
और इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।